हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज मिताली। वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी .in। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब कोनिक शेप में, जितना भी कोन शेप में होगा उसकी एप्लीकेशन या उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले भी आप देख चुके हो किस तरीके से इसका हम टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इसका बेस एक सर्कल होता है उस पे बेस्ड हमने एग्जांपल्स अपने देखे हैं, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन पार्ट, यानी कि उसके शेप का अगर कोई भी प्रोडक्ट हमारे सामने है, कोई भी डिवाइस हमारे सामने है, तो उसको हमें कैसे मैनिपुलेट करना है, ठीक है, कैसे उसका फिगर को समझना है। सो अ कॉनकेव इन द फिगर शेप समवट लाइक अ कोन हैज द रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड एज 2.1 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर आपको क्या गिवन है कि फॉर सपोज आपके पास कोई कॉन है, ठीक है, भुट्टा हम खाते हैं तो इस तरीके से हम जब भी खरीदते हैं तो ये उसके शेल्स हो जाते हैं और साथ में हमें इस तरीके से पूरा वो खाने के लिए मिलता है। सो अगर हम इसकी एक ओवरऑल शेप को बाहर निकालें, सो दिस इज समवट लाइक अ कोन, ठीक है, इस टाइप का हमारे पास कोई एक शेप है। सो ये हमारा जो टॉप एंड हो गया, प्लस इसमें जो हमें गिवन है कि रेडियस ऑफ द ब्रॉडेस्ट एंड, तो ब्रॉडेस्ट एंड क्या होगा, क्या ये ब्रॉड है, चौड़ा है ये एंड, क्या ये एंड चौड़ा है, बिल्कुल है, तो दैट मींस कि इन्होंने हमें इस वाले एंड का रेडियस गिवन है, ठीक है, दे रखा है, कितना दे रखा है, 2.1 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो मेरे को इसका यहां पर जो हमें इसका रेडियस गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 2.1 सेंटीमीटर। ऑल्सो द लेंथ दैट इज द हाइट, जो हमें यहाँ पर हाइट गिवन है हमारे कोन की, दैट इज गिवन टू बी हाउ मच, 20 सेंटीमीटर, हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। नाउ ईच ऑफ द 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉर्ब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, यानी कि यहाँ पर आपको जो ग्रेन्स दिख रहे हैं छोटे छोटे से, पूरे भुट्टे में क्या होते हैं, दाने होते हैं, छोटे छोटे से अगर हम इसकी बात करें तो इस तरीके से हमारे पास दाने होते हैं। सो वो ये कह रहे हैं कि सपोज करिए कि उसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, कोई भी दाना जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया लेता है, तो टोटल उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो फाइंड आउट करके हमें बताना है कि टोटल कितने ग्रेन्स हमारे इस पूरे कॉर्ब में, पूरे भुट्टे के स्ट्रक्चर में हैं। अब आपको पता है, आपने अच्छे से ये देखा हुआ है, अगर हम इसके बिल्कुल ब्रॉडेस्ट एंड, नीचे वाले हिस्से की बात करें, इस हिस्से की बात करें, तो क्या हमें कभी भी भुट्टे के दाने या फिर जो हमारी ग्रेन से नीचे मिलते हैं, नहीं मिलते, सारा जितना भी प्लग्ड होता है वो सब इसकी ऊपर कर्व्ड एरिया में, इस वाले एरिया में, पूरे इसमें फैला हुआ होता है, ठीक है। सो दैट मींस कि हम यहाँ पर क्या कंसीडर करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कंसीडर ओनली दी कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी कॉर्ब, यानी कि हमारे भुट्टे के दाने के या फिर हमारे कोन के हम सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पे बात करेंगे, क्योंकि नीचे तो वैसे भी ग्रेन्स नहीं होते और हमें निकालना क्या है, हमें नंबर ऑफ ग्रेन्स निकालने हैं। बट नंबर ऑफ ग्रेन्स निकालने से पहले हमें इस बात को समझना है, ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉर्ब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर मैं हिस्सा लेती हूँ, फॉर सपोज मैंने इतना सा हिस्सा लिया अपने कॉर्ब से, इतना सा हिस्सा लिया, तो इस हिस्से में 4 ग्रेन्स हैं, 4 भुट्टे के दाने हैं, ठीक है। सो हमें टोटल एरिया में कितने ग्रेन्स हैं वो हमें फाइंड आउट करना है, ओके। सो क्वेश्चन आपको आई होप अभी तक क्लियर हो चुका हो, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे निकालना है। सो अगर हमें बात करनी है इसके, चलो आगे इसमें मूव करते हैं, ये हमारा रेडियस हो गया और हमें हाइट भी गिवन है, ठीक है। सो अगर हमें इसमें क्या निकालना है, फॉर सपोज ये मेरे पास एक फिगर थी, इस टाइप का हमारे पास एक फिगर था, ये हमारा कॉर्ब हो गया, हमें रेडियस पता है 2.1 सेंटीमीटर और इसी तरीके से हमें हाइट पता है 20, ठीक है। अब अगर मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, सो कर्व सरफेस एरिया हमें क्या पता है, कर्व सरफेस एरिया जो कोन का होगा दैट इज इक्वल्स टू पाई आर एल, दैट मीन्स एल की कमी है, सो हमें सबसे पहले अपना स्लैंट हाइट यानी कि एल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो एल कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन अपना पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है। सो हमें पता है एल इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, फाइन। अब एल कितना आ जाएगा, एल हो जाएगा हमारा 20 का स्क्वायर, हाइट हमें 20 गिवन है और रेडियस हमें 2.1 का स्क्वायर गिवन है, ठीक है। चलिए अब 20 में आ जाएगा यहाँ पर
400, यहाँ पर इसका स्क्वायर निकालते समय थोड़ी देर के लिए आपको पॉइंट को इग्नोर करना है। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 21 के स्क्वायर का आंसर लिख दिया, क्योंकि पॉइंट एक डिजिट के बाद है, दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स आंसर में आपके दो डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 400 प्लस 4.41। इन दोनों को ऐड करेंगे, व्हाट वी विल हैव, 404.41। तो अल्टीमेटली जो मेरे पास एल स्क्वायर आ चुका है वो कितना आ गया, 404.41। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, एल हमें निकालना है, सो दैट मीन्स कि हमें इसका अंडर रूट करना पड़ेगा। अंडर रूट करते समय जो हमारा पूरा अंडर रूट वाला फॉर्मूला होता है, तरीका होता है किस तरीके से हम इस नंबर का अंडर रूट निकाल सकते हैं, इफ यू आर गोइंग टू डू दैट, हम वो निकालेंगे, द आंसर वुड बी एल इज इक्वल्स टू 20.11। ये अल्टीमेटली मैंने किया क्या है, इसके लिए मैंने अपने 404.41 का अंडर रूट फाइंड आउट करना है, करा है। सो एल हमारे पास यहाँ पर कितना आ चुका है, 20.11। ठीक है, सो अल्टीमेटली मेरे पास अब एल भी आ गया, सभी में अपना वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास कितना है, 22/7, आर हमें कितना गिवन है, 2.1, और एल हमारे पास कितना आया है, 20.11। ठीक है, सो इफ यू आर गोइंग टू, इसे अगर हम अपना पूरा सॉल्व करेंगे, सो लेट्स डू दैट, सॉरी इसको अपना रिमूव करते हैं पॉइंट को, यहाँ पर इसे कैलकुलेट करेंगे, 3 आ जाएगा। सिमिलरली अब अगर आप देखोगे, सो हमें मल्टीप्लाई क्या करना है, 22 × 3 विच इज इक्वल्स टू 66, 66 को 20.11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 66 मल्टीप्लाई बाय 20.11 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि एंड में एक जीरो हम लगा देंगे। ठीक है, सो चलो सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन करते हैं। सो व्हाट वी हैव नाउ, 20.11 × 66, 6 × 1 = 6, अगेन 6 × 1 = 6, 6 × 0 = 0, 6 × 2 = 12। सो अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, इजी है, बिल्कुल सेम टर्म्स हमारी नीचे आने वाली है, 6, 6, 0, 2 and 1। ठीक है, ऐड कर देंगे और एंड में अपना पॉइंट, डेसिमल पॉइंट उसे दे देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 6 + 6 = 12, 6 + 1 = 7, 2, 3, 1। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो आंसर आएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1327.26। तो 1327.26 डिवाइडेड बाय 10, विच मीन्स अगर हमें इसे अपना 10 से एक और हमारी जीरो इधर हो जाएगी, सो इट वुड बी इक्वल्स टू 132.726। ठीक है, सो ये हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ चुका है, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कर्व। अगर आप इसको थोड़ा सा भी राउंड ऑफ करना चाहते हो, सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 6 के पहले 2 है ना, और 6 5 से बड़ा है, दैट मीन्स हम 2 को एक नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 732.73। दिस इज आर कर्व सरफेस एरिया, और सभी कुछ हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, सो अभी तक मैंने क्या कर लिया है, कर्व सरफेस एरिया हमने अपने कॉनिक सेक्शन का, अपने कोन सेक्शन का, ऊपर के हिस्से का एरिया हमने निकाल दिया। अब हमें क्वेश्चन में साथ साथ क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि 1 cm² एरिया में आपके कॉब में 4 grains है, यानी कि 1 cm² में कितने भुट्टे के दाने आते हैं, 4 आते हैं। हमारे पास कितने, 132.73। सो 132.73 में कितना आ जाएगा, 73, ओके, सो 73 में कितना आ जाएगा, 132.73 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है इसे भी करते हैं, 4 × 3 = 12, 7 × 4 = 28 + 1 = 29। चलिए उसके बाद 2 आपका कैरी, 4 × 2 = 8 + 2 = 10, 4 × 3 = 12 + 1 = 13, 4 × 4 = 1 + 1 = 5। तो अल्टीमेटली जो मेरे पास आंसर आया है, दैट इज इक्वल्स टू 530.92, विच मीन्स अगर हम इसको राउंड अप करते हैं, नंबर ऑफ ग्रेन्स हमें एक इस टाइप का डेसिमल नंबर नहीं चाहिए, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी शुड हैव
531 ग्रेन्स. तो दैट मीन्स कि जितना एरिया हमारे कप का है, जितना कर्व सरफेस हमारे भुट्टे का है, दैट इज इक्वल्स टू 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर. और उसमें कितने नंबर ऑफ ग्रेन्स है, करीबन 531-530 ग्रेन्स हमारे उसमें है. इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था. ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया हो, अच्छा लगा हो. कोई भी आपको डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो दिस इज द वे किस तरीके से आपको जो भी आप समझते हैं पढ़ते हैं उसके एप्लीकेशन पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय.